हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैटिन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, और ये आप लोगों को मैं कम्प्लीटली दिखाऊंगा। आप ये अपना मोबाइल से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये आया है और आप लोग फ्रीली घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस क्या क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस। देखिए, सबसे पहले एक आपके पास रेशन कार्ड होना जरूरी है, तो ये एक मैंडेटरी है। और उसके बाद में कोई भी एक पासबुक आपके पास होना जरूरी है। और उसके बाद देखिए गाइस, आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर गाइस ये तीन चीज आपके पास है, ये तीन डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो गाइस आप लोग अपना एंड्रॉइड मोबाइल से भी IHHL के लिए आवेदन कर सकते हो, और उसका फाइनली आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा ट्रैक करने के लिए। तो कैसे करते हैं मैं भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा। वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन लिख के सर्च कर देना है, और ये लिख के सर्च कर देने के बाद में देखिए ये स्वच्छ भारत मिशन .gov.in, तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, और यहाँ में आपको जाना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में आपको कुछ अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखिए ये है इसका इंटरफेस, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, और आप लोग यहाँ में अच्छे तरीके से रीड भी कर सकते हो क्या क्या लिखा है। और अगर आपको ये फेक जैसा लगता है तो गाइस आप लोग एक बार रीड करिए ये पोर्टल पर आके, और सब कुछ देखिए तभी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए गाइस मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ में मीडिया कॉर्नर है और यहाँ में सिटीजन कॉर्नर है। तो गाइस आपको क्या करना है, सिटीजन कॉर्नर पर जाना है, और यहाँ में आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL। तो देखिए गाइस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा सिटीजन कॉर्नर पर, और नीचे में भी देखिए गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL, तो गाइस यहाँ पर भी आपके लिए मिल जाएगा। तो देखिए गाइस सिंपली अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL पर सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में आपको लॉगिन का एक पेज खुल खाता है। तो ये आप लोग देखिए, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। अभी आपको क्या करना है गाइस, हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर सिंपली आपको जाना है। के बाद में देखिए गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस फिर से देखने को मिल जाएगा। अभी हमें मोबाइल नंबर दे देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर, और हमें आपका नेम जो भी है वो आधार कार्ड में देख के दे दीजिए। उसके बाद में जेंडर आप लोग सिलेक्ट करिए, ट्रांसजेंडर, फीमेल, मेल, और हमें एड्रेस आपका, जस्ट विलेज कौन सा है आपका तो वो प्लेस दे दीजिए हमें। स्टेट नेम आप लोग अपना हिसाब से, जो भी स्टेट है आपका, हरियाणा, पंजाब, आसाम, बिहार, जो भी है आप लोग अपना हिसाब से दे दीजिए। और ये कैप्चर सिंपली यहाँ में देके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। ये आप लोग देख सकते हैं, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली। तो गाइस आप अभी हमें रजिस्टर सक्सेसफुल्ली हो चुके हैं, आप लोग हमें देख सकते हो। ये सक्सेसफुल होने के बाद में आपको ओके कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, ओके कर देना है, नीचे जाना है। अभी हमें सबमिट बटन पर आपने ऑलरेडी क्लिक करके सक्सेसफुल्ली रजिस्टर किया है। अभी आपको क्या करना है, हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। अभी लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद में अभी यहाँ में आपको जाना नहीं है सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर, आपको जाना नहीं है। अभी जो भी आपने हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय में नंबर वहाँ में दिया था, तो गाइस वही नंबर हमें सिंपली आपको फिलअप कर देना है, और हमें गेट OTP पर क्लिक कर देना है। हमें OTP जाएगा एक, मतलब वन टाइम पासवर्ड आपका, जो भी मोबाइल नंबर हमें आपने दिया है वही मोबाइल नंबर पर, और ये कैप्चर यहाँ में सिंपली फिलअप करके साइन इन कर देना है। तो उसके बाद में देखिए गाइस आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी हमें न्यू एप्लीकेशन पर जाना है, ऊपर में थ्री पेंसिल बटन का सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हो, और इस तरीके का आपको शो होगा। और इस फॉर्म में देखिए गाइस आपका स्टेट नेम ऑटोमेटिक हमें सेलेक्ट होके आएगा, और हमें डिस्ट्रिक्ट नेम आपको सेलेक्ट करना होगा, और हमें ब्लॉक नेम सेलेक्ट करना होगा, अपना जो भी है पंचायत नेम हमें सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में विलेज नेम, और हमें हैबिटेशन नेम। तो देखिए इसमें विलेज नेम दोनों ही है, एक ही है गाइस, आपको ये सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में नीचे में देखिए गाइस नेम ऑफ
उसके बाद में देखिएगा इसे नेम ऑफ एप्लीकेंट एज पर द आधार कार्ड, आधार कार्ड का जो भी नेम है तो वो नेम आपको सिंपली फिलअप कर देना है सेक्शन बी पर, और उसके बाद में आधार कार्ड नंबर यह में दे देना है, और यह में आई कंसेंट हियर, आई कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ बीन टेकन फॉर वैलिडेटिंग, तो यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद में वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है, आपका आधार कार्ड फाइनली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में यह में फादर नेम नहीं तो हस्बैंड आपका जो भी है वो लिख दीजिए, जेंडर आप लोग सेलेक्ट करिए, उसके बाद में कैटेगरी जो भी है आपका दे दीजिए, सब कैटेगरी सेलेक्ट करिए, और उसके बाद में देखिएगा इसे हमें कार्ड टाइप, आपका कार्ड टाइप क्या है, APL BPL कौन सा है वो सेलेक्ट करिए, उसके बाद एक कार्ड नंबर देखिएगा जो भी है आपका कार्ड नंबर दे दीजिए। कार्ड नंबर दे देने के बाद में आपको हमें मोबाइल नंबर पूछेगा, तो गाइस मोबाइल नंबर दे दीजिए, उसके बाद में एड्रेस लिख दीजिए। ये कर देने के बाद में देखिएगा सर अभी फाइनली आपका लास्ट स्टेप पर चले जाएगा, और लास्ट स्टेप पर क्या क्या रहेगा गाइस, यह में आपका बैंक डिटेल्स देना होगा, मतलब सेक्शन 3 आपका IFSC कोड दे दीजिए सेक्शन सी पर फर्स्ट, और IFSC कोड दे देने के बाद में सबसे नीचे अकाउंट नंबर पर आपको क्लिक कर देना है, मतलब पहले IFSC कोड दे के या मैं नीचे में अकाउंट नंबर सबसे नीचे में देखिएगा अकाउंट नंबर है तो वो अकाउंट नंबर पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक आपका जो भी मतलब बैंक तो वो ब्रांच वो ऑटोमेटिक या में आ जाएगा, नेम सब कुछ आ जाएगा अपने आप ही या में फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा इस या में आपको कुछ भी करना नहीं है, जस्ट आपका अकाउंट नंबर दे देना है और या में कन्फर्म अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद में देखिएगा स्कैन फाइल पेज और पासबुक, पासबुक का जो भी आप लोग हमें पासबुक नंबर दे रहे हो उसी पासबुक पर आपका मतलब पैसा आएगा 12,000, तो वो पासबुक सिंपली हमें आपको दे देना है, वो पासबुक सिंपली हमें आपको दे देना है। चूज फाइल पर जाके वो होना चाहिए PDF, JPEG, JPG और PNG फाइल में, और उसका मतलब 200 KB के नीचे में होना चाहिए साइज। तो गाइस ये कर देने के बाद में फाइनली नीचे में आपको मिल जाएगा अप्लाई, तो अप्लाई पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपके सामने में शो होगा तरीके से, मतलब एक एप्लीकेशन नंबर शो होगा और वो एप्लीकेशन नंबर आपको रख लेना है, और वो रख देने के बाद में वही है आपका प्रूफ, और आपका गाइस कहाँ तक आया वो सब कुछ आप लोग ट्रैक कर सकते हो। तो ट्रैक करने के लिए देखिए किसी हमें व्यू एप्लीकेशन पर जाना है और वहीं पर आपको मतलब सिंपली देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।